हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि जेपीएससी पीटी पेपर टू का एक पार्ट्स झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का नोट्स को हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं छात्रगण, इससे पहले आपको इस आंदोलन के संदर्भ में एक संपूर्ण लेक्चर और एक लेक्चर आपको नोट्स दिखाई गई थी। उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का, उसी के अगले भाग का। इसके पहले 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर दी थी, जिसका छाप था चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप। यहां तक हम पढ़ा चुके थे छात्रगण। अब आगे देखें कि 1950 के बाद कौन कौन घटनाएं झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन से संबंधित घटना घटती है, उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव बिहार राज्य में हुई। 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव बिहार राज्य में हुए थे। 1952 में प्रथम विधानसभा का चुनाव बिहार राज्य में हुए थे, जिसमें झारखंड पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा के कुशल नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में 33 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल होने का गौरव हासिल किया। मेन अपोजिट पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने का गौरव हासिल किया, जिसमें सुशील कुमार बागे को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया, जिसमें सुशील कुमार बागे को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इसके बाद 1957 के विधानसभा चुनाव में इसके बाद 1957 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 32 सीटें और 1962 के चुनाव में 20 सीटें प्राप्त किया। उन्नीस सौ बासठ के चुनाव में 20 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1950 के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट में है, 1950 के बाद विभिन्न राज्यों के गठन हेतु 1950 के बाद विभिन्न राज्यों के गठन के आंदोलन हेतु 1950 के बाद विभिन्न राज्य गठन के आंदोलन हेतु 1950 के पश्चात
विभिन्न राज्य के आंदोलन के गठन हेतु निराकरण के लिए 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जयपाल सिंह मुंडा ने पृथक झारखंड राज्य की मांग प्रस्तुत की थी। यद्यपि आयोग ने उसे अस्वीकार कर दिया। और आयोग ने झारखंड विकास बोर्ड बनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जिस अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी उसमें बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले तथा मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मिलाकर उसमें कुल 16 जिलों का झारखंड राज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। कुल 16 जिलों का झारखंड राज्य का मांग प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन की कड़ी में बिहार विधान परिषद में 1961 को सीताराम जगतराम ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु भारत सरकार से
भारत सरकार से आग्रह के लिए सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत किया गया परंतु सदन ने इसे अस्वीकृत परंतु सदन ने इसे अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जब जोर पकड़ना प्रारंभ किया, तो इसी दौरान उन्नीस सौ तिरसठ ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने जो कांग्रेस पार्टी के थे इनकी पहल पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में जयपाल सिंह मुंडा ने कर दिया यह घटना पृथक झारखंड राज्य आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट और बाधा साबित हुई यद्यपि पार्टी का विलय कराने में जयपाल सिंह की पत्नी जहां आरा का बहुत बड़ा हाथ था इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा को बिहार सरकार ने सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत विभाग का मंत्री बना दिया या बनाया गया मंत्री बनाया गया बनाया गया नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के संदर्भ में इस
आंदोलन के संदर्भ में 1963 से लेकर 1973 तक इस आंदोलन के संदर्भ में 1963 से 73 तक झारखंड आंदोलन का एक ठहराव का दौर था, एक ठहराव का दौर था। यद्यपि इस ठहराव के दौर में भी, यद्यपि इस 10 साल के ठहराव के दौर में भी छोटे मोटे आंदोलन सक्रिय होते रहे, छोटे मोटे आंदोलन सक्रिय होते रहे। जैसे 1965 में, जैसे 1965 में, जैसे 1965 में ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल नामक एक नई संस्था की स्थापना की। जो एक उग्र विचारों वाला संगठन था। बाद में 1967 ईस्वी में बागुन सुमरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की। बाद में इस पार्टी का विभाजन हो गया बाद में इस पार्टी का विभाजन हो गया और झारखंड पार्टी का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष एन ई होरो थे। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन ठहराव के दौर में 1968 ईस्वी में कार्तिक उराव ने झारखंड राज्य निर्माण के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी।
स्थापना की थी तथा वर्ष 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमिटी तथा 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमिटी ए के राय की अध्यक्षता में अध्यक्षता में अलग राज्य की मांग की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग राज्य की मांग की थी। तो छात्रगण, हम लोगों ने अभी यहां तो देखा कि जब झारखंड पार्टी का विलय विनोदानंद झा की पहल पर, जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1963 ईस्वी में इस झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाने के पश्चात यह आंदोलन एकदम ठप सा पड़ गया। यद्यपि विलय करवाने में जपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस विलय के दौरान जपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक ग्राम पंचायत विभाग का मंत्री भी बनाया गया, जिनका कार्यकाल 6 महीना से भी कम का रहा। इस संदर्भ में 1963 से 73 तक झारखंड का एक ठहराव का दौर था, एकदम आंदोलन शिथिल पड़ गया। परंतु इस दौरान भी एकदम छोटे मोटे तौर पर संस्था, पार्टी, भिन्न व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन चलता गया। जैसे 1965 में ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल की स्थापना की, जो झारखंड आंदोलन का से संबंधित सबसे पहला एक उग्र रूप वाला संगठन था। इसी कड़ी में 67 में बागुन सुमरे के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। यद्यपि ये पार्टी बाद में टूट गई और टूटकर बन गया झारखंड पार्टी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे एन ई होरो। बाद में देखेंगे कि 1968 में कार्तिक उरांव ने भी झारखंड राज्य निर्माण के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। और इसी कड़ी में, उसी ठहराव के दौर में, 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा 71 ईस्वी में ए के राय की अध्यक्षता में अलग राज्य निर्माण की मांग प्रारंभ किया। तत्पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बाद में 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत समाज, जिसकी स्थापना शिबू सोरेन ने 1970 में की थी, उसका नाम है सोनेत संथाल समाज। तत्पश्चात 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। स्थापना करने के पश्चात यह आंदोलन इतनी जोर पकड़ी कि बाल अंततः इसका परिणाम 15 नवंबर सन 2000 को अलग झारखंड राज्य के रूप में दिखता है। तो छात्रगण, हम 73 के पश्चात क्या घटना घटी झारखंड राज्य के निर्माण में, इसी कड़ी में अगले क्लास में हम फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।